हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में नेस्टेड लूप या इनर लूप इन जावा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। देखो, मैंने एक ट्यूटोरियल्स क्रिएट किया है, जावा ट्यूटोरियल्स फॉर द बिगनर्स विथ कंसेप्ट एंड एग्जाम्पल्स। तो आई होप कि आप इस सभी वीडियो को देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा इस प्रीवियस वीडियो को, जैसे कि स्विच केस, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, तो पहले इस सारे वीडियो को देखें, तभी आप नेस्टेड लूप या नेस्टेड इनर लूप को समझ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप इस वीडियो पे आएँ। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नेस्टेड लूप क्या होता है। देखो, नेस्टेड लूप का मतलब होता है ए लूप इन साइड द अनदर लूप इज देयर इज कॉल्ड ए नेस्टेड लूप। फॉर एग्जाम्पल्स, आपके पास एक फॉर लूप है। ठीक है, इस फॉर लूप के अंदर, इस बॉडी के अंदर एक और फॉर लूप है। क्या है? एक और फॉर लूप है और उसका भी बॉडी है। तो इस लूप को बोलते हैं इनर लूप। इस लूप को क्या बोलते हैं? इनर लूप। ये काम कैसे करता है, इस पे प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, कब इसे डिसाइड करेंगे कि मुझे इनर लूप लगाना चाहिए, कब नहीं, ये सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, और हम शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो आप लूप का तो सिंटेक्स जानते ही हैं। मान लो यहाँ पे इनिशियलाइज्ड, तो आई इक्वल टू जीरो ले लो, आई लेस देन इक्वल टू टेन ले लो, एंड आई प्लस प्लस। ओके, यहाँ पे आपको लेना है, तो आप ई वेरिएबल एक बार ले चुके हो, तो फिर आप यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि इसके बॉडी के अंदर ही ए है। ठीक है, तो इसलिए एरर देगा आपको। तो आप किसी अलग वेरिएबल को ले सकते हो, जे जीरो से इनिशियलाइज कर सकते हो, और जे लेस देन इक्वल टू टेन इसको भी ले सकते हो, और जे प्लस प्लस कर सकते हो। तो एक बेसिक सिंटेक्स या स्ट्रक्चर होता है नेस्टेड फॉर लूप का। तो इसको बोलते हैं इनर लूप। ए लूप इन साइड दिस अनदर लूप इज कॉल्ड ए इनर लूप। ये काम कैसे करता है, इसके बारे में अगर बात करें, तो सबसे पहले आउटर लूप चलता है। तो आउटर लूप में क्या होता है कि इंट आई इक्वल टू जीरो, ओके, इनिशियलाइज हो गया आई, आई का वैल्यू क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया आई इक्वल टू जीरो। ओके, जैसे ही चला यहाँ पे, तो चेक किया कि आई लेस देन इक्वल टू टेन, यस, कंडीशन ट्रू, तो फिर आएगा यहाँ पे, इस लूप को चलाएगा, फिर करेगा इंट जे इक्वल टू जीरो। तो हम कमेंट करके लिख ले रहे हैं कि जे इक्वल टू जीरो। ओके, उसके बाद जे लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू, जीरो लेस देन टेन, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, जो कुछ भी आप पार्ट में दियोगे, कोई भी प्रिंट किए होंगे चीज़ें, उसको प्रिंट कर देगा, और फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा जे प्लस प्लस के पास। जैसे ही इसको दिखेगा, तो उसके बाद वापस यहाँ पे आएगा और जे के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। कितना कर देगा, मान लो वन कर देगा, वन कर दिया, फिर आ करके यहाँ पर कंडीशन चेक होगा कि कितना, जे लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू है, क्या कि वन है जे का वैल्यू, तो फिर से आएगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर से दिखेगा, फिर से चला जाएगा यहाँ पे, अब जे का वैल्यू क्या करेगा, थ्री कर देगा। लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, ये ध्यान होना चाहिए, यहाँ पे अभी नहीं आएगा, फिर से यहीं पर आएगा, वैल्यू को बढ़ाया, कंडीशन चेक किया, बॉडी को एग्जीक्यूट किया, फिर आया यहाँ पे, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, सेवन हो गया, एट हो गया, नाइन हो गया, नाइन तक चलेगा। जैसा ही यहाँ पे टेन होगा, टेन लेस देन टेन, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ से इसके बाहर चला आएगा, और जब बाहर आएगा तो इसको मिलेगा ए। जब ए मिलेगा तो फिर कहेगा ओ माय गॉड, इट्स ए वन मोर लूप। तो फिर से यहाँ से सीधे आ जाएगा यहाँ पे आउटर लूप के पास, क्योंकि आउटर लूप का ही टर्ली ब्रेसिस है, आउटर लूप के पास आएगा, आउटर लूप के पास देखेगा ओ आई इक्वल टू जीरो, ओके, इंक्रीमेंट करो वन, फिर चेक करो कंडीशन, आई लेस देन इक्वल टू टेन, यस, यानी कि वन लेस देन इक्वल टू टेन, यस, तो फिर से आओ इसके पास। अब जितना इसके पास किए, तो फिर से, फिर इंट जे इक्वल टू जीरो, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगा मेमोरी से, तब तक फिर जे एक नया बनेगा, और जे इक्वल टू कितना होगा, जीरो, फिर जीरो होगा, फिर वन होगा, फिर टू होगा, फिर थ्री होगा, फिर फोर, फिर फाइव, जैसे मैंने बताया था
कि आएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, इंक्रीमेंट बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, फिर से चेक करेगा। तो इस तरह से करते करते कितना बार चला जाएगा, 6 7 8 9, फिर से 10 पे क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तो फिर से कहाँ जाएगा, इस लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर चला जाएगा। यहाँ पे आउटर लूप क्लोज है, फिर से जाएगा ऊपर, यहाँ पे आकर के आई का वैल्यू फिर से क्या करेगा, 2 कर देगा। मतलब इसके एक बार चलने से ये 10 बार चलेगा, इसके ये चलने से एक बार इतना बार चलेगा। ये होता है वर्क इनर लूप का। तो चलिए हम इसको कॉपी करते हैं फिलहाल, और इसको करके बताते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम क्लास बनाते हैं, क्लास नेस्टेड या इनर लिख लो, इनर लूप, ठीक है। इस क्लास के अंदर आप पब्लिक BLIC, पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, क्लोज कर दो। ओके, दैट्स इट। उसके बाद मैंने जो एग्जांपल बताया था उसको कॉपी भी किया था मैंने, उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। सिंपल सा एक कमेंट है तो कमेंट को आप यहाँ पे इरेज कर सकते हो, क्योंकि आप इटरेशन सीख चुके हो कैसे काम करता है, तो इसको आप पढ़ा सकते हो सिंपली, इसको सेव कर लोगे। तो सबसे पहले मैं इसको शुरू कर देता हूँ कितना से, 1 से, और यहाँ पे या रहने दो, 0 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 ही रहने दो। और उसके बाद कुछ भी मैं प्रिंट नहीं करा रहा हूँ फिलहाल, लेकिन यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा। क्या प्रिंट कराऊंगा, एस आउट, एस आउट यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन क्या लिखेंगे, इनर लूप, लूप, और यहां पे लिखेंगे आई का वैल्यू, क्या लिखेंगे, प्लस आई प्लस, और यहां पे लिखेंगे डबल कोट में हाइपन और फिर प्लस जे। तो इसमें क्या होगा, जैसा ही ये 0 रहेगा तो 0 से लेकर के, तो ये कितना से चलेगा, 0 से लेकर के 9 तक चलेगा। फिर जैसा ही ई 1 होगा तो ये फिर से 0 से 9 तक चलेगा, ठीक है। तो यही मुझे देखना था, और यहाँ पे एलन ना हो, नहीं एलन सही रहेगा, एलन गुड। सबसे पहले क्या करो, इसे कॉपी कर लो, क्लास को सेव करना है, क्लास के नेम से फाइल को, और यहाँ पे आओ सेव कर दो डॉट जावा से, और इसी फाइल को ओपन कर लो यहाँ से CMD से, CMD मैं ऐसा ही करता हूँ। तो जावा सी कंपाइल करने के लिए क्लास नेम डॉट जावा, कंपाइल सक्सेसफुल, उसके बाद जावा कमांड एंड क्लास नेम, डेट्स इट। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे आउटपुट आ गए, आप इसे गौर से देखो थोड़ा सा, क्या समझ में आता है आपको। देखो इनर लूप 0 रहा, आई का वैल्यू क्या है, 0, तो ये भी 0 है, 0 है तब भी 1 है, तो जब तक 0 रहेगा तब तक ये 9 रहेगा, दिख रहा है, 9। फिर से 1 से स्टार्ट होगा, ये फिर से 9 तक स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, ये 9 से स्टार्ट होगा, कब तक, जब तक 9 ना हो जाए आउटर लूप तब तक चलेगा, ठीक है। तो उस पे डिपेंड करता है कि इनर लूप आउटर लूप, कि वो एक बार एग्जीक्यूट हुआ तो ये मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होता है बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, ठीक है। सो इतना ही, आप इटरेशन सीख गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।